हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पकोड़े तो हर किसी को पसंद है, और अगर पकोड़े पनीर स्टफ किए हुए हो तो फिर क्या बात है। तो आज जो है ना, हम कैंटीन में मिलने वाले पनीर स्टफ के ब्रेड पकोड़े बनाएंगे, आपको कॉलेज की याद आ जाएगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। दो आलूओं को मैंने छील लिया था, छोटे छोटे पीस में कट किया, और इनको बॉयल करने के लिए नमक पानी डाल करके चलिए चूल्हे पर रख देते हैं और सॉफ्ट बॉयल कर लेंगे। जब ये बॉयल हो जाएंगे तो गरम गरम पर ही हमें इनको इस तरीके से मैश कर लेना है। गरम आलू जो है ना, बहुत जल्दी टूट जाते हैं दोस्तों। चलिए रेडी हो गया है, हमने एक पैन के अंदर डाल देना है एक टेबल स्पून ऑयल। ऑयल के अंदर हम डालेंगे एक टीस्पून ये खड़ा धनिया है, इसको मैंने बेलन से थोड़ा सा क्रश कर दिया था। खड़ी सौंफ डालेंगे एक टीस्पून, और खड़ा ज़ीरा भी साथ में डालेंगे एक टीस्पून। तो चलिए खड़ा ज़ीरा भी डाल देते हैं यहाँ पर साइडों में, और पिंच ऑफ डाल देंगे हींग। ये तड़का रेडी हो गया है, और साथ में यहाँ पर डाल देंगे फाइन चॉप जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च, और थोड़ा सा इनको स्टर करेंगे। फ्रेश जिंजर गार्लिक पर तो बस मत पूछिए, मैं तो पूरी जान छिड़कती हूँ। इनके जो अरोमा उठते हैं ना फ्राई होने पे, मत पूछिए। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट है, और जब भी मैंने इनके अंदर ये ड्राई मसाले ऐड कर रही हूँ, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, और 2 से 3 टेबल स्पून पानी मैंने फ़ौरन डाल दिया है। और फ्लेम को अब मैंने ऑन किया है ताकि ये थोड़ा सा भून जाए, और मैंने कसूरी मेथी डाल दिया है 1/2 टीस्पून, और ये हमारा मैश किया हुआ आलू जो है ये अब हम डाल करके फटाफट से मिला लेंगे। बहुत जल्दी ये ब्रेड पकौड़े बन जाते हैं, जो भी टाइम लगने वाला है ना वो बस ये आलू को बनाने में लगेगा और चटनी पीसने में, बाकी सब तो है ही है। सब आपको बाज़ार से क्या बनाना है, ब्रेड लाना है, बस ये पकौड़े हो जाएंगे फटाफट रेडी। तो इनको हम फटाफट मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम अब मैंने ऑफ़ कर दिया है, यहाँ पर ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं दोस्तों, क्योंकि आलू भी गर्म था और हमारे मसाले भी, पैन भी गर्म है, इतने में ये हो जाएगा। पिंच ऑफ मैंने गर्म मसाला डाला है दोस्तों, और यहाँ पर अब डाल देते हैं लेमन जूस 1 टेबल स्पून। लेमन जूस नहीं है तो आप जो है ना खटाई पाउडर डाल सकते हैं। तो लेमन जूस डाल करके मैं हरा धनिया डालूँगी और स्टर करूँगी, और इनको रख देंगे हम ठंडा होने के लिए साइड में। चलिए इनको हम साइड में करते हैं, और अब हम आ जाते हैं बेसन का घोल बनाने। तो 3/4 कप मैंने बेसन लिया है, इसके अंदर पिंच ऑफ हल्दी और पिंच ऑफ मैंने डाल दिया है लाल मिर्च। पिंच ऑफ डालेंगे अजवाइन, बेसन है तो अजवाइन ज़रूर डालिएगा, और एक चुटकी से भी थोड़ा कम ये देखिए मैं सोडा डाल रही हूँ। सोडा ज़्यादा डाल देंगे अगर आप, तो आपके बैटर का कलर लाल हो जाएगा, क्योंकि ये सोडा जो है ना लाल मिर्च के साथ में रिएक्ट करता है, तो फिर कलर उसका जो है ना वो ख़राब हो जाता है। और मैंने नमक डाल करके यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके एक घोल रेडी कर लेना है। पानी एक बार में नहीं डालना है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। आप चाहें तो सोडा अवॉइड कर सकते हैं, सोडा डालने से बैटर थोड़ा सा फूल जाता है, बस एक यही रीज़न है। चलिए थोड़ा और पानी डालेंगे, और इनको मिक्स करके हम 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट के बाद में हम इनकी कंसिस्टेंसी ज़रूर चेक कर लेंगे। और बेसन रेस्ट कर रहा है जब तक हम बना लेते हैं ये हरी चटनी। तो मैंने 1/4 कप जो है ये बेसन मैंने ले लिया धनिया और पुदीना, 5 से 6 हरी मिर्च डाल दिया है, और 3-4 क्लोव्स गार्लिक के, और ये 2 टेबल स्पून डाल देते हैं चने की, भुनी हुई चने की दाल। ये आपकी चटनी को बॉडी भी देगा, कलर बहुत अच्छा लाएगा, ठीक है। और नमक डाल देते हैं और खड़ा ज़ीरा, थोड़े से पानी के साथ में इनको हमने ब्लेंड कर लिया, ये देखिए। चले जी, अब मेरे पास में देखिए ये है 125 ग्राम पनीर। अगर आपके पास में बड़ा ब्लॉक है ना पनीर का, तो बहुत ही अच्छी बात है, वो पूरे ब्रेड को कवर कर जाएगा। बट ये भी ठीक है, आप अगर ब्रेड पकौड़ा बनाना चाह रहे हैं तो 125 ग्राम पनीर में भी आप 4 से 5 ब्रेड पकौड़े आराम से बना लेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये आपको छोटा पड़ रहा है तो क्या करना है। तो ये देखिए, या तो आप 4 बना लीजिए मेरी तरह से, या तो फिर आप ये जो छोटा वाला है ना, इसमें से भी पतले पतले स्लाइस करके आप एक ब्रेड पर इनको रख सकते हैं फैला करके। तो चलिए अब हम इनको साइड में करते हैं, और यहाँ पर हमने ब्रेड के ऊपर ये चटनी जो है दोस्तों लगा लेना है। अगर आपकी चटनी तीखी ज़्यादा नहीं है तो आप एक अच्छी अमाउंट में चटनी यहाँ पर स्प्रेड कर दीजिए। चटनी मेरी तीखी है, मैंने इनको टेस्ट किया है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ। और मिर्ची आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैं दोनों ब्रेड के ऊपर एक पतली सी लेयर जो है ना वो आलू की लगाऊंगी, क्योंकि मुझे भी पनीर रखना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि एक ही ब्रेड पर आलू लगाते हैं और उसके ऊपर पनीर रख करके दूसरे ब्रेड से कवर कर देते हैं, लेकिन मुझे जो है वो पनीर दोनों आलुओं के बीच में चाहिए, इसलिए मुझे बहुत ही पतली सी लेयर आलू की दोनों ब्रेड पर लगाना है। अगर मैंने ज़्यादा लगा दिया तो फिर मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, और पनीर आप खा रहे हैं वो भी पता नहीं चलेगा।
तो पनीर रखने से पहले मैंने थोड़ी सी चटनी आलू के ऊपर और डाल दिया, क्योंकि पनीर तो फीका होता है, तो यहाँ पर ये चटनी थोड़ा डबल आ जाएगी तो ये फीका नहीं लगेगा। अब देखिए दोस्तों, पनीर जो है वो ब्रेड से थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पर गैप आ रहा है, देखा आपने, गैप आ रहे हैं। तो इसका दो मतलब सॉल्यूशन है, एक तो ये, या तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है ये आलू का मिक्सचर भर दीजिए, अंदर फिल कर दीजिए, तो ये इवन हो जाएंगे। दूसरा एक तरीका क्या है वो मैं आपको दूसरे वाले ब्रेड में करके दिखाती हूँ। तो हमने सेम उसी तरीके से पतली लेयर में आलू लगाया, चटनी लगाया और इस तरीके से ब्रेड से कवर कर दिया। अब जो हमारे पास में छोटी वाली पनीर का पीस था ना, उसको मैंने यहाँ पर साइडों में उठा करके फिल कर देना दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से पूरे ब्रेड पर पनीर भी आ गया और ये जो साइडों में गैप आ रहे थे वो भी नहीं आए, तो काम हो गया हमारा। हमें अगर सिर्फ ब्रेड पकौड़े बनाने हैं तो एक पाव पनीर की ज़रूरत नहीं है, आप 125 ग्राम में भी एकदम इजीली काम कर सकते हैं। ये फिल हो गए हैं और कटने के बाद में बहुत खूबसूरत दिखेंगे ये, आपको जब मैं कट करके दिखाऊँगी आप देखिएगा। ये देखिए, चलिए हमारा ये जो बैटर है ये भी रेस्ट कर चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल राइट है, ना मुझे पानी डालना है और ना ही बेसन, ये ना बहुत ही गाढ़ा है ना बहुत ही पतला है दोस्तों। और यहाँ पर पैन में मैंने तेल रख दिया क्योंकि मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी, एकदम मतलब डीप फ्राई मैं इसको नहीं करूँगी। तो पहले हमें किनारों को बेसन से लॉक कर लेना है चारों तरफ से, उसके बाद इनको हमें डिप करके बहुत ही मतलब ध्यान से इनको उठाना है और इस तरह से ऑयल में डाल देना है। हाथ ज़रूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसा ना हो कि हाथ भी आप फ्राई कर दें। थोड़ा सा सेट होने देते हैं, उसके बाद हम इनको पलट देंगे। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, बहुत हॉट भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ बेसन बहुत जल्दी आपको पता ही है कलर ले लेते हैं और बहुत ही ख़राब लगते हैं फिर उनके कलर। तो ये देखिए हमारा ऑयल का टेम्परेचर हमारे बेसन के कलर को कितना मेंटेन करके रखा हुआ है। अब इधर से भी हम सेट होने देते हैं दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, रेसिपी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए अब क्या करना है दोस्तों, ये शैलो फ्राई हो रहा है, ये डीप फ्राई तो नहीं है, तो किनारों पर कहीं भी बेसन जो है रह ना जाए, कच्चा ना रह जाए, इसलिए मुझे एक चिमटे से इन्हें उठा करके ना चारों तरफ से ऑयल के अंदर इस तरह से हमें फ्राई कर लेना है। तो आप जो है इजीली इसको जो है हर तरफ से फ्राई कर पाएंगे, मैंने बहुत ही आसानी से इनको कर लिया। आप चाहें तो इनको तवे पर भी बना सकते हैं, अगर आप और कम ऑयल खाना चाहते हैं और ब्रेड पकौड़ा खाने का मूड है तो आप बिल्कुल इसको ऑयल में बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर दो ब्रेड पकौड़े अभी बनाए हैं, दो अभी भी मेरे पास में रखे हुए हैं दोस्तों, उनमें से एक जो है ना वो मैंने तवे पर फ्राई किया था और यकीन मानिए अच्छा हुआ था, वो क्रिस्पी हुए थे। हाँ एकदम डीप फ्राई की तरह तो नहीं होंगे, जो है सही वो है, लेकिन वो अच्छे बन जाते हैं, मतलब कि आप उनको खाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि अरे यार मेरे को तो डीप फ्राई कर लेना था, आपको ये फील नहीं आएगी। बहुत ही आसानी से आप तवे पर एक टेबल स्पून ऑयल डालिए और इस तरीके से बेसन के पकौड़े डाल करके उनको थोड़ी देर के लिए सेट होने दीजिए, उसके बाद पलट दीजिए और फिर चिमटी से पकड़ करके चारों तरफ से सेक दीजिए। एकदम इजीली आपका कम तेल में भी ये पनीर का ब्रेड पकौड़ा बन जाएगा। तो आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी दोस्तों। ये देखिए अंदर से कितना मज़ेदार हमारा ये पनीर का ब्रेड पकौड़ा रेडी हुआ है, आप भी इसको ट्राई करिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर देते हैं, आपके लाइक और आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।